हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th चैप्टर करेंगे। 7th चैप्टर है हमारा यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में हम मेन क्या सीखेंगे कि हमें वन थिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या मैनी थिंग्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम किस तरह से जो वर्ड्स की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं। मीन्स जो हमारी स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं उनमें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड। तो देखिए, जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, मिस एनी वांट्स टू बाय 8 ऑरेंज फ्रॉम ए मॉल। मिस एनी 8 ऑरेंज मॉल से खरीदना चाहती हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज 36, अगर 1 डजन होते हैं मींस 12, एक डजन में एक दर्जन मींस 12 होती हैं चीज़ें, तो 1 डजन ऑरेंज की वैल्यू हमारे पास 36, हाउ मच डज मिस एनी वांट हैव टू पे। तो 8 ऑरेंज के लिए मिस एनी को कितने पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें वन थिंग की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है 1 डजन है, ऑरेंज की वैल्यू हमारे पास 36 है। 1 डजन मींस 12 होते हैं। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंज, तो 1 डजन मींस 12 ऑरेंज हो गए। 12 ऑरेंज की वैल्यू 36 है, सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, तो 1 की कितनी वैल्यू होगी। तो देखिए, जब भी हमें ज़्यादा वैल्यू से कम वैल्यू हमें फाउंड आउट करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए, 12 ऑरेंज की वैल्यू 36 है, तो 1 ऑरेंज की वैल्यू कितनी होगी, 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ज़्यादा जो होता है उसको हम कम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36 होता है, तो 3 रुपीज़ आ गई हमारी 1 ऑरेंज की वैल्यू। तो उस मिस एनी कितने ऑरेंज खरीदना चाहती थी, 8 ऑरेंज, तो हम लिखेंगे दस द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंज। 8 ऑरेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है तो 8 की। तो देखिए, हमें जब ज़्यादा से कम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, जब कम से ज़्यादा निकालनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं। इट मीन्स पहले तो हमें ज़्यादा वैल्यू दे के हमें 1 चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 की निकाल के फिर से हम ज़्यादा की निकालेंगे। मीन्स अब हमारे पास 12 ऑरेंज की वैल्यू दे रखी थी, हमें निकालनी है 8 की। अब हमें क्या पता कि कितने की हम लेंगे या कितने रुपीज़ हम देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे समझ में जब हमें ज़्यादा वैल्यू दे रखी हो तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 1 की पता होगी तो हम ज़्यादा की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 12 से दे रखे थे, हमने 1 की वैल्यू निकाली 3, तो 8 की कितनी होगी, 3 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगी हमारी 24। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले होता है व्हेन द कॉस्ट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट इज गिवन। कॉस्ट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट मींस ज़्यादा चीज़ों की हमें वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वी डिवाइड। ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू हमें दे रखी है, हमें एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर किया, ज़्यादा की वैल्यू दे रखी थी, हमने एक की निकाली तो हमने डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से जैसे द कॉस्ट ऑफ 7 बुक इज 49, 7 किताबों की वैल्यू हमारे पास 49 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो एक की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 7 बुक इज इक्वल टू रुपीज़ 49। 7 बुक्स की वैल्यू हमारे पास 49 है, सो द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो एक बुक की कितनी वैल्यू होगी, 49 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 जब 14 होता है तो रुपीज़ 7 आ गया हमारा आंसर। 1 बुक की वैल्यू हमारी आ गई 7। ज़्यादा से कम की वैल्यू निकाली है हमें, ज़्यादा चीज़ों से एक वैल्यू निकाली है हमें तो हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज गिवन, एक चीज़ की वैल्यू हमें दे रखी है, एक वस्तु की हमें वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट, हमें एक से ज़्यादा की निकालनी है तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई, हम करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, द कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज रुपीज़ 240, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन। अब 10 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है 15 की। अब हम 10 से हम 15 की कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 पेन की वैल्यू जो हमें दे रखी है उससे हम 1 पेन की वैल्यू निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 10 पेन हमारी इज इक्वल टू कितनी है, 240। हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 240 को 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारी 1 पेन की वैल्यू आ गई 24। अब हमें कितने की निकालनी है, 15 पेन की, तो हम क्या करेंगे, 15 पेन की क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ 15 पेन, 15 को 24 से मल्टीप्लाई कर दी, 15 पेन की हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रुपीज़ 360। तो 15 पेन्स की हमारी वैल्यू होगी 360। तो ये मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। एक से ज़्यादा की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब ज़्यादा से 1 चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम करते हैं डिवाइड। तो
तो ऐसे कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।